और वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्वालियर शहर के विकास कार्य को लेकर जिले के सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की है। इसके बाद सिंधिया ने प्रेस को संबोधित करते हुए बैठक की जानकारी दी और इस दौरान जहां उन्होंने ट्रैफिक से संबंधित कार्यों की जानकारी दी, वहीं उन्होंने ग्वालियर को हेरिटेज अर्बन लैंड स्कैप के रूप में चुने जाने की भी बात कही है। तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त तस्वीरों में ग्वालियर पहुंचे सिंधिया, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की और इसके बाद उन्होंने कई ऐलान भी किए हैं। हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप के लिए उन्होंने ग्वालियर को चुना है। तो सिंधिया ने इशारे इशारे में इमरती देविका को भी चुप कराया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदा ये इशारा किया कि आप चुप रहिए। जिला के विकास के लिए सिंधिया की बैठक, किस तरह से जिले में विकास होना चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, ये सभी जो बात है वो कहते नजर आए सिंधिया। इमरती देवी इस दौरान बात करने लगी, इस दौरान बात करते हुए इमरती देवी को चुप करते आप सिंधिया को देख सकते, तो इशारे से उन्होंने चुप कराया। हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप की घोषणा भी उन्होंने की है, जिले के विकास की उन्होंने बात की है, जिसके लिए उन्होंने बैठक की है और इस बैठक के दौरान ग्वालियर पहुंचे सिंधिया और वहां पहुंचकर जिले के विकास के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही है। जिले के विकास के लिए सिंधिया की ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है और ग्वालियर के लिए एक बड़ा तोहफा। इमरती देवी इस दौरान बोल रही थी और ये तस्वीरों में हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इशारे में ही सिंधिया ने वहीं पर इमरती देवी को चुप करा दिया। जिले के विकास के लिए सिंधिया की ये बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। हेरिटेज अर्बन स्केप की उन्होंने घोषणा की है ग्वालियर के लिए और ग्वालियर के लिए एक बड़ा तोहफा इसे माना जाए। ने ग्वालियर को चुना है हेरिटेज अर्बन लैंडस्केप के लिए, ये पहला शहर है पूरे एशिया में, इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। और उनके अधीन हम लोग उनके विचारधारा के आधार पर ग्वालियर को एक पर्यटन का केंद्र भी बनाएंगे और संस्कृति का भी केंद्र बनाएंगे। कई ऐसे जगह हैं, क्रॉसिंग्स हैं जहां बिजली के खंभे लगे हुए हैं और उसके आधार पर ट्रैफिक सड़क के बीच में ही खंभा लगा हुआ है और ट्रैफिक उससे गति अवरोधक के रूप में वो ट्रैफिक के लिए पैदा हो जाता है। तो ऐसे 40 पोल्स हैं जो हमने रेखांकित किए हैं, करीब 20-25 लाख रुपए लगेगा। हमने कहा है कि 15 अप्रैल तक ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए और पोल्स को शिफ्टिंग ये 40 पोल्स के अगले 15 दिन के अंदर पूर्ण रूप से समाप्त हो। प्रतिनिधियों के साथ एक अच्छी लंबी बैठक हमारी हुई है ग्वालियर के विकास प्रगति के विषय में, जो मैंने आपको पिछले बार ब्रीफ किया था कि पानी के सप्लाई पे और स्वच्छता पर। जरा इमरती जी जरा शांत हो जाएंगी, इमरती जी पिछली बार की बैठक में पानी के सप्लाई पर और स्वच्छता पर जनप्रतिनिधियों। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।